हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव के जन्मदिन के मौके पर कसोला चौक स्थित अतिथि प्लेस में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकमदेव नारायण और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। धनखड़ ने कहा कि हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए उनका जन्मदिन भी मनाना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पता नहीं क्या जोड़ने के लिए निकली है, भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत देखना चाहते हैं, इसलिए यात्रा कर रहे हैं। धनखड़ ने मुख्यमंत्री को बदलने की चर्चा पर कहा कि मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल अच्छा कार्य कर रहा है, जिसे बदलने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही धनखड़ ने किसानों द्वारा एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी पर कहा कि जितना भाजपा सरकार ने किसानों को दिया है, उतना किसी भी सरकार ने किसानों को नहीं दिया है, भले जनता कांग्रेस शासित प्रदेशों से तुलना करके देख ले। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए आज तक की सभी सरकारों से अच्छा काम किया है। किसी सरकार ने किसान सम्मान निधि नहीं दी, किसी ने उनको जोखिम फ्री नहीं किया। केवल इस सरकार ने बीमा और डिजास्टर मैनेजमेंट का 15,000 रुपये देते हुए और सर्वाधिक फसलों की खरीद हमारे अड़ोस पड़ोस में जहां कांग्रेस शासित राज्य, आप बाजरे का हाल यहां भी देखते हो, वहां भी देखते हो, सबसे अच्छी खरीद हम करते हैं। किसानों के लिए ये सरकार सर्वश्रेष्ठ सरकार है। ज़्यादा है हमारे यहाँ हार्ड इम्यूनिटी बनी है, लेकिन सचेत रहना होगा। सरकार उस नाते से थोड़ी सतर्कता दिखा रही है। हम नागरिकों को भी अगर कोई घटनाएं बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से सचेत रहते हुए आगे बढ़ना होगा। भारत जोड़ो यात्रा आराम से चल रही है। केवल बताया गया है कि भी कोरोना के केसेज आपकी यात्रा में पाए हैं, यात्रा उस कारण से कोई कठिनाई उसमें नहीं बढ़े, ये बताया गया है। और भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान शिव रामेश्वरम में भी हैं और केदारनाथ में भी हैं और माँ पार्वती कन्याकुमारी में भी है, क्षीर भवानी में भी है, वैष्णो देवी में भी है, कामाख्या देवी में भी है, मुंबा देवी में भी है और भगवान श्री कृष्ण जो है वृंदावन में भी हैं, कुरुक्षेत्र में भी हैं, केरल के गुरुवायर में भी हैं, द्वारकाधीश भी गुजरात में वही हैं, जगन्नाथ में जगन्नाथ भगवान वही हैं, मणिपुर में भगवान गोविंद वही हैं। ये देश तो हजारों हजार वर्षों से जुड़ा हुआ है। हाँ, वो इसको घूम कर देख लें और समझ लें। सर प्लीज पहले बताया मैंने, सरकार और मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण, सारी टीम अच्छा काम कर रही है।